हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ZS व्लॉग में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा। ज़रा सोचिए, आप अगर कहीं जा रहे हो ट्रेन से और रास्ते में एक टनल में आपकी ट्रेन गुजरती है और दूसरी तरफ से नहीं निकलती है तो आपको कैसा लगेगा? आपके होश उड़ जाएंगे। तो कुछ इसी तरह की घटना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए यार इस वीडियो में हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ तरह तरह के अजीब और गरीब रहस्य भरे पड़े हैं। कुछ तो सुलझा लिया गया, लेकिन सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। दुनिया में ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जिन पर विश्वास करना उतना ही कठिन होता है जितना कि कुछ लोगों का भगवान के अस्तित्व पर यकीन करना। ऐसी घटनाओं को यकीन करने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि इनको किसी ने होते हुए नहीं देखा होता, बस उनके होने का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी ही एक घटना हुई 1911 में, जब एक ट्रेन ने एक सुरंग में घुसते ही लापता हो गई, जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना रोम की है। साल 1911 में जेनिटी नाम की एक ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। इस बीच ट्रेन को एक सुरंग से होकर गुजरना था, लेकिन यह ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी वो अचानक गायब हो गई। इस दौरान ट्रेन में खूब खोजबीन की गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। ट्रेन का कोई भी पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि इस ट्रेन के बारे में आज तक को लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। इस ट्रेन में 106 लोग सवार थे। ट्रेन के साथ ये लोग भी लापता हो गए। हालांकि कुछ समय बाद उसी ट्रेन में सवार दो लोग सुरंग के बाहर मिले थे। उन्होंने एक ऐसी हैरत अंगेज घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास आई, वहां से एक रहस्यमय धुआं निकल रहा था। इसको देखकर वो काफ़ी घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसी और वो वापस कभी नहीं निकली। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय के 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मैक्सिको पहुंच गई थी, इसलिए इसे भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये हादसा रियल का था? क्या ये घटना सच में हुई होगी या बस एक काल्पनिक तौर पर ही आधारित है? तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह घटना कैसी लगी और आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।